So today we are going to see mechanism of polymerization, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है जो हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में देखा था. सो एडिशन स्टेप ग्रोथ एंड चेन ग्रोथ. ठीक है, तो नंबर वन चेन ग्रोथ. चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में उसका मैकेनिज्म क्या होता है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं. बेटा चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में आपको पता है दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन. क्या होता है ये? फ्री रेडिकल रिएक्शन. एंड यू नो फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थ्री डिफरेंट स्टेप्स. दैट इज चेन इनिशिएशन. चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा मैकेनिज्म है चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन का. इनमें आप जनरली परऑक्साइड्स लेते हैं, यानी मैंने अगर बेंजोइल परऑक्साइड लिया फॉर एग्जांपल. हाँ, नंबर वन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इथीन से हम पॉलीथीन बना रहे हैं. क्या है बेटा रिएक्शन? जनरल रिएक्शन इसका है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू. एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेने वाले हैं विच इन प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री COO taken two times. अब इसका नाम क्या होगा? It is benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide. क्या चीज है ये benzoyl peroxide? OO linkage इसमें होता है और OO linkage break होके ये free radical generate कर सकता है. This is chain initiation state. हाँ, इस process को chain initiation कहते हैं. तो पहले इसके presence में ऐसे n number of molecule एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये CH2 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 और ये पॉलीमेरिक चेन बना देगा. सो दिस इज पॉलीथीन एंड दिस इज इथीन. ओके, दिस इज इथीन एंड दिस इज पॉलीथीन. ये सबसे पहले होगा चेन इनिशिएशन स्टेप में. चेन इनिशिएशन स्टेप में होगा बेटा. चेन इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहली चीज क्या होती है? चेन इनिशिएशन में ये जो परोक्साइड होता है ना, सॉरी ये बेंजोइल नहीं है, बेंजोइल को यहाँ पे सॉरी पीएच है ना, पीएच सीओ, दिस इज बेंजोइल. बेंजोइल ये ऐसे है, बेंजीन सी डबल बॉन्डो ओ, ओ सी डबल बॉन्डो और यहां पर ये एक बेंजीन आएगा. ठीक है, अब यहां पर चेन इनिशिएशन स्टेप में जब आप इसको हीट करते हैं तो इसका होमोलाइटिक फिशन होगा ऐसे, बिकॉज ये परॉक्सी लिंकेज है. परॉक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन होमोलाइटिक फिशन करेगा. एंड यू नो होमोलाइटिक फिशन में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं. तो ये बेंजोइल फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा. हाँ, ये बेंजोइल फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और फ्री रेडिकल. ये उसका फ्री रेडिकल हुआ. अब ये जो फ्री रेडिकल है, ऐसे दो फ्री रेडिकल्स बनने वाले हैं यहां पर. ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल फर्दर खुद से रिएक्ट होके इस बॉन्ड को होमोलाइटिकली ब्रेक करता है वापस. बिकॉज ये होमोलाइटिक फिशन होने के पीछे रीजन क्या होगा? हाँ, ये होमोलाइटिक फिशन होने के पीछे रीजन है कि जैसे ये होमोलाइटिक फिशन होने वाला है, इसमें से एक स्टेबल CO2 मॉलिक्यूल निकलने वाला है. क्या होगा बेटा? अब बेंजीन के पास एक फ्री रेडिकल आ गया, प्लस ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे ताकि यहां पर एक CO2 फॉर्म हो जाए. एंड इट विल रिलीज वन CO2. क्या रिलीज कर रहा है? एक CO2 ये रिलीज कर रहा है. ठीक है, अब ये यहां पर बन गया बेंजीन फ्री रेडिकल. ओके, बेंजीन फ्री रेडिकल बन गया तो ये क्या करेगा? अल्किन के साथ रिएक्ट होगा. हाँ, इनिशिएट होगा. अब इनिशिएट होने के बाद ये क्या कर रहा है? इनिशिएट होने के बाद ये जो बेंजीन फ्री रेडिकल, या इसे आप कहेंगे फिनिल फ्री रेडिकल, क्या कहेंगे इसे? फिनिल फ्री रेडिकल. फिनाइल, फिनाइल यानी पीएच, यानी बेंजीन. बेंजील नहीं कहना है, CH2 फ्री रेडिकल जब आएगा तो बेंजिल होगा, यानी बेंजीन के ऊपर. ये बेंजीन पे डायरेक्ट फ्री रेडिकल बन रहा है,
और ये फ्री रेडिकल क्या होता है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्ट होगा, यहां पर ये वंस अगेन होमोलाइटिक फिशन यहां पर होता है। बेटा देखिए, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर बचेगा एक फ्री रेडिकल। देखो ये ब्रेक हो गया, इसके पास एक फ्री रेडिकल, इसके पास एक फ्री रेडिकल आ गया, ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे से कपल हो गए और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये CH2 फ्री रेडिकल यहां पर बन गया। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल व्हिच विल प्रोपोगेट फर्दर टू फॉर्म प्रोपोगेशन रिएक्शन। ये सबसे पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन में अल्कीन पहले डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होता, ये जो कैटलिस्ट होता है आप जो यूज करते हैं बेंजोइल परऑक्साइड O2 यानी एयर, इसके प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो O2 भी होमोलाइटिक फिशन करके O फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। यहां पर बेंजोइल परऑक्साइड जो है, ये बेंजोइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल फॉर्म करता है जिसमें से एक CO2 निकल जाता है। देखिए यहां पर वापस एक बार होमोलाइटिक फिशन हो रहा है बेंजीन में और ये कार्बोनिल कार्बन में, क्यों? बिकॉज यहां पर ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो चुका है, ये फ्री रेडिकल इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके CO2 निकाल देगा ताकि ये फिनिल फ्री रेडिकल बना सके। ये फिनिल फ्री रेडिकल जैसे ही बनता है, ये फिनिल फ्री रेडिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट हो जाता है, अल्कीन का होमोलाइटिक फिशन कर देता है, बिकॉज अल्कीन की रिएक्टिविटी से ज्यादा है परॉक्सी लिंकेज की रिएक्टिविटी, इसलिए पहले फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा फिर अल्कीन के साथ रिएक्ट होकर वापस इस अल्कीन का फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। चेन इनिशिएशन के बाद क्या आएगा? चेन प्रोपोगेशन। ओके, सो इट इज चेन प्रोपोगेशन सेकेंड स्टेप। प्रोपोगेट होना यानी अगली स्टेप पे जाना, अगले लेवल पे चले जाना। बेटा ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, दिस फ्री रेडिकल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल विल कंबाइन विथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, अगेन इट विल अंडरगो होमोलाइटिक फिशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल and it will get combined with this free radical to form CH2 single bond CH2 single bond CH2 CH2 and here will be the free radical. Again if it is reacting it with alkene, again it will undergo further homolytic fission and it will form CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 और ये दो CH2 यहां पर ऐड हो जाएंगे विथ टर्मिनल फ्री रेडिकल और कंटिन्यूअस ऐसे अल्कीन ऐड होते रहेंगे और इसका पॉलीमराइजेशन होता रहेगा। जैसे मैंने बताया स्टेप ग्रोथ में और चेन ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, स्टेप ग्रोथ में वन बाय वन एडिशन होता है मोनोमर का, डाइमर डाइमर का, ट्राइमर ट्राइमर का, टेट्रामर। वैसे यहां पर जैसे ही ये चेन इनिशिएट हो जाता है टर्मिनेशन तक ये रुकेगा नहीं, इसको कोई स्टेप जरूरी नहीं है, ये अल्कीन जैसे इसको मिलते जाएंगे कंटिन्यूअस अल्कीन कंबाइन होते 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 ये आगे चला जाएगा। जब तक आप अल्कीन का सप्लाई बंद नहीं करते या आप कोई टर्मिनेटिंग एजेंट ऐड नहीं करते तब तक इसका प्रोसेस रुकता नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज अ चेन प्रोपोगेशन। ओके, अब ये प्रोपोगेट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। अब हम जा रहे हैं चेन टर्मिनेशन की तरफ, थर्ड स्टेप आया है चेन टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन। बेटा पहले इनिशिएट हुआ अल्कीन का फ्री रेडिकल बना लिया इसने और फ्री रेडिकल बनाने के बाद वो वापस दूसरे अल्कीन के साथ रिएक्ट होके चेन को प्रोपोगेट कर रहा है। अब हम टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। बेटा टर्मिनेशन भी बहुत इजी है, ये रेडिकल है, हाँ इसका प्रोपोगेशन शुरू है और प्रोपोगेट हो रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जो इनिशिएशन में ये जो रेडिकल बना हुआ था ऐसे रेडिकल को इधर लेकर आए, यानी हमने बेंजोइल परऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, बेंजोइल परऑक्साइड की क्वांटिटी जैसे बढ़ेगी सॉल्यूशन में इथिन की क्वांटिटी से ज्यादा
बेंजोइल परोक्साइड की क्वांटिटी डालेंगे तो बेंजोइल परोक्साइड से आपको क्या मिलने वाला, फिनाइल फ्री रेडिकल, वो अल्किन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाने वाला है, ये वाले टर्मिनल्स बनाने वाला है। तो ये जब बनेगा और ऐसे वाले टर्मिनल्स जब इंक्रीज हो जाएंगे, बेटा सुन लो और यहां पर दिखाई देगा आपको कि ये वाला टर्मिनल अगर आगे के साइड से इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो देखिए बेटा इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अभी इधर के साइड में भी कोई फ्री रेडिकल नहीं है और इस साइड में कोई फ्री रेडिकल नहीं है, यानी ये चेन यहां पर स्टॉप हो जाएगा, यानी प्रोपोगेशन रिएक्शन रुक जाएगा, प्रोपोगेशन रिएक्शन रुक जाएगा और ये फॉर्म करेगा। चलो इसको इधर लिख रहा हूं मैं, ये रिएक्शन में आगे ये बेंजीन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और आगे ये दो लग रहे हैं CH2 और PH, समझ गए। अब ना तो इधर के टर्मिनल में कोई रेडिकल बचा ना इधर बचा, यानी ये रिंग ये जो क्या चेन बन रहा था ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये टर्मिनेट हो गया यानी रिएक्शन रुक गया, एंड दिस इज चेन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, चेन टर्मिनेशन। कब होगा चेन टर्मिनेशन, जब ये वाले जो रेडिकल्स है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी। हाँ इसको अगर लिखना है तो मैं निकाल दे रहा हूं, हाँ इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तभी टर्मिनेशन होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस वो चेन चलता रहेगा। ओके, सो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलीमर, कि हम डिफरेंट पॉलीमर्स के प्रिपरेशन देखने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है। अब हमने दो कैटेगरीज उसमें बना रखे हैं, अब कुछ एग्जांपल्स इसमें मैंने लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स हम आगे रबर में, कुछ एक्स्ट्रा पॉलीमर्स है कोपॉलीमराइजेशन के प्रोसेस उसमें, और तीसरा बायोडिग्रेडेबल, उसको बाद में देखेंगे। पहले इतने फील्ड्स हम खत्म कर देंगे, उसके बाद हम आगे जाने वाले हैं। बेटा देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन में हम दो सेक्शंस में सबसे पहले देखेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला एग्जांपल पॉलीथीन, जैसे हमने इसके पहले स्टडी किया पॉलीथीन। पॉलीथीन में दो पार्ट, एलडीपी एंड एचडीपी, लो डेंसिटी पॉलीइथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, ऐसे दो नाम है इनके। जब मैं पढ़ाता हूं पूरा ध्यान देना है, इधर कुछ भी कमेंट वगैरह नहीं करना है। पीटीएफई एंड टेफ्लॉन, और उसको टेफ्लॉन कहते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन और इट इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन, जो नॉनस्टिक पैन्स वगैरह होता है उसको जो कोटिंग होता है ना वो होता है टेफ्लॉन कोटिंग, दैट इज द पॉलीमर ऑफ पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर। पैन ऑर्लॉन और एक्रिलॉन, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल का ये पॉलीमर होता है। पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपीन का पॉलीमर, पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड एंड पीएमएमए, दिस इज द डिफरेंट नेम, पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट, नाम लिखते हैं पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट, नाम लिखा है इसका पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये थोड़ा सा हटके है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा में आपको कुछ नाम दे रहा हूं, उसको भी आप ऐड करके रखो ताकि आपको ये एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी सी पता हो साथ साथ। ये हो गया। अब इसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पॉलीअमाइड्स, पॉलीस्टर, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन, चार कैटेगरीज है। पॉलीअमाइड्स में यानी जिसमें अमाइडिक लिंकेज बनता है, ऐसे अमाइडिक लिंकेज में नाइलॉन 6, नाइलॉन 6-6, नाइलॉन 6-10 एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ऐसा नाम है। दिस इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो आगे आने वाला है। पॉलीस्टर, पॉलीस्टर, पॉलीस्टर में टेरिलिन और डैक्रॉन इज द एग्जांपल। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बैकलाइट एंड नोवोलैक, ऐसे दो पॉलीमर्स इसमें बनते हैं। लगे तो आप यहां पर आगे लिखना है तो लिख सकते हैं, बैकलाइट
एंड नोवोलैक, ऐसे दो पॉलीमर्स इससे बनते हैं, नोवोलैक बैकलाइट एंड नोवोलैक, राइट। उसके बाद मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बनता है, इसको मेलामाइन पॉलीमर भी कहा जाता है। इसलिए यूज होता है मेलामाइन, क्रॉकरीज होते हैं ना अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, वहां पर इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से आज आपने इसको एक पेज पे लिखना है और आपकी रूम में लगा देना है। जब जब आप स्टडी करेंगे और इसके आगे का भी पार्ट उसमें ऐड कर देंगे बाद में, जब जब आप पॉलीमर्स करेंगे ना, पॉलीमर्स इन वन गो, पॉलीमर्स इन वन गो, जैसे अल्केन, एक घंटे में अल्केन खत्म कर दिया, 59 मिनट्स 4 सेकेंड्स, है ना, 4 या 40 सेकेंड कुछ तो है, तो पूरा पॉलीमर आपका एक घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद पॉलीमर पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी करेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे। हाँ, इसके बाद पॉलीमर पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, इसमें से वन बाय वन हम सभी चीजें खत्म कर देते हैं। पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट, ऑक्रिलेट नहीं, मिथ एक्रिलेट, हाँ ये एक्रिलिक एसिड का है, लेते हैं ना उसको बाद में। सो नाउ वन बाय वन इनके फीचर्स और इनके फॉर्मेशंस हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉलीथीन, पॉलीथीन के दो पार्ट्स है, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों भी। लो डेंसिटी पॉलीमर्स एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर में सबसे पहला आ रहा है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन में आपको दो चीजें देखनी है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, टेम्परेचर कितना लगता है, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, और तीसरी चीज ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम तीनों को भी साथ में लिखने वाले हैं, साथ में देखने वाले हैं। सो बच्चों, एडिशन पॉलीमर में सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन का, और पॉलीथीन में होता है दो डिफरेंट पार्ट, LDPE एंड HDPE। LDPE का नाम होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड HDPE का होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और मैंने जैसे आपसे कहा कि एक लेक्चर में आपका पूरा पॉलीमर हो जाना चाहिए, एक घंटे में पॉलीमर हो जाना चाहिए, मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूं, लेकिन ये इस ऐसे सिखाने का मतलब है कि आपको एक बार ये अच्छे से हो गया तो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आपको इसको बाद में ज्यादा वर्क देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो मैंने कंपेरेटिव स्टाइल में यहाँ पर दोनों चीजें लिख रखी है, मैं जितना जितना समझा रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको फॉलो करो। लो डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब है लो डेंसिटी LDPE का मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, प्रेशर ये बनाने के लिए लगता है 1000 to 2000 एटमोस्फेरिक प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, टेम्परेचर 350 to 570 केल्विन, हाई टेम्परेचर लगता है, कंपेरेटिवली इसे लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे चल जाता है, काम हो जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन का, कम टेम्परेचर कम प्रेशर पे बनता है, इसलिए सेटल भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो ज्यादा हार्ड होता है, बिकॉज उसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होती है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये बनाता है, क्या करता है हाई डेंसिटी, इट इज ड्यू टू क्लोज पैकिंग। ओके आगे जाएंगे, कैटलिस्ट इसमें यूज होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन में O2 और परोक्साइड, और इसमें एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको आप कहते हैं जिग्लर नेटा कैटलिस्ट। वापस एक बार बोलता हूं, जिग्लर नेटा कैटलिस्ट, क्या है ये जिग्लर नेटा कैटलिस्ट बेटा? जिग्लर नेटा कैटलिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ TiCl4 टिटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड AlC2H5 टेकन 3 times, का मतलब है ट्राई इथिल एल्यूमिनियम। एंड यहां पर देखिए, दिस इज द ब्रांच्ड पॉलीमर, इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू LDPE एंड HDPE, दिस इज द ब्रांच्ड वन एंड दिस इज अनब्रांच्ड पॉलीमर। बहुत अच्छी स्कीम है ये दोनों की, देखो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और दोनों का डिफरेंस आपको तभी क्लियर हो जाएगा कि बेटा देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, है ना। जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, ये दूसरा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चल रहा है, यानी यहां पर ये पॉलीमर बन रहा है आगे, और ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है, ये इधर और ये इधर, समझो इधर के साइड में एक फ्री रेडिकल आ गया है, इधर के टर्मिनल पे भी आ गया है, और देखो बेटा
ये जैसे ही फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो गया, फ्री रेडिकल आ गया यहां पर, ये यहां पर, ये कंबाइन हो गए और इसका पॉलीमराइजेशन ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। होता कैसे है कि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, प्राइमरी ये इधर किसी प्राइमरी फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ के एक हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को निकाल दिया और यहाँ पे बीच में एक फ्री रेडिकल बना दिया, और इसका जो टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल ये इतना चेन है, ये CH2 और इसका टर्मिनल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और इसने एक ब्रांच बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इधर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, तो यहाँ पर बीच में ब्रांचेस बन रहे हैं सेकेंडरी पोजिशन पे, ये ऐसे ब्रांचेस बन रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड वन। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, तो इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने की वजह से सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी जनरेट हो सकते हैं और जिसकी वजह से ब्रांचिंग फॉर्म होगा। कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी पॉलीथीन में लो टेम्परेचर लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है और इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, केमिकली इनर्ट होता है और टफ होता है, कौन, LDPE। उसके कंपैरिजन में HDPE जो होता है, दैट इज अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी हाई डेंसिटी एंड इट इज मोर टफ मोर हार्ड एंड दैट्स व्हाई इनका जो यूज है एक तो दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका यूज है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज है, ये टॉयज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या जो फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और इनका जो यूज है, यू कैन प्रिपेयर और यू कैन मैन्युफैक्चर ड्रम्स, बकेट्स, जार्स, हेवी पाइप्स इससे बना सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट से अगर स्टडी करेंगे ना, स्टडी भी अच्छा होगा और ज्यादा समय तक उसको हम याद रखें। सो नेक्स्ट इज अ टेफ्लॉन पॉलीमर, सेकेंड टेफ्लॉन, या जिसे आप PTFE भी कहते हैं, द फुल फॉर्म इज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। बेटा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन जो है, इसमें देखिए पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन में ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 मोनोमर है, क्या है, मोनोमर। इसमें हीट करेंगे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, n नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स विल गेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और ऐसे इसका चेन बनता जाएगा, दो दो चार और दो छह, चलो ये ऐसा पॉलीमर बनता गया। एंड दिस इज टेट्रा फ्लोरो, नाम क्या है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, एंड दिस इज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज टेफ्लॉन, यूज्ड इन नॉन स्टिक पैन्स, नॉन स्टिक मटेरियल इसमें ये यूज करते हैं। ओके, टेफ्लॉन के बाद का एग्जाम्पल बोलो। सो नेक्स्ट पॉलीमर इज पैन ऑर्लॉन और एक्रिलॉन। पैन नाम कैसे पढ़ा, इसको कैसे दिया, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, जो बनता है एक्रिलो नाइट्राइल से, इसलिए पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, बहुत ही सिंपल नाम है भाई, जैसे मोनोमर का नाम है, बस पॉली लगा देना उसको, पॉलीमर बन जाएगा। नाम भी आसान है, याद रखने के लिए आसान है, सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमर में या को पॉलीमर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो भी आपके बाय प्रैक्टिस वो अच्छे हो जाएंगे। एक्रिलो नाइट्राइल क्या चीज होती है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसमें CN लगा हुआ होता है। मैं CN को ऊपर के साइड में लिख रहा हूं ताकि वो मुझे बीच में पॉलीमराइजेशन में कहीं डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। ऐसे ही होता है पॉलीमर्स में कि डबल बॉन्ड विच इज अंडरगोइंग पॉलीमराइजेशन, वही डबल बॉन्ड सामने आएगा और जो ग्रुप्स है जो पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सी ट्रिपल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज
इसका होमोलाइटिक फिशन आसान है, इसका हेट्रोलाइटिक फिशन होता है। तो बेटा ऐसे जो यूनिट्स है CH2 डबल बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ऐसे यूनिट्स है, इनका होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा और ये दोनों साइड में ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। देखो बेटा ये ब्रेक हो रहा है, ये ऐसे प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे यूनिट ज्वाइन होने के बाद देखिए ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH आगे CN, इधर इधर डैश, आगे का पार्ट आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN, और आगे पॉलीमराइज होगा। सिंपल है। तो ये क्या था? एक्रिलोनाइट्राइल था, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलिक एसिड, एक्रिल क्लोराइड, एक्रिल अल्कोहल, एक्रिलिक एसिड, ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO पॉली है, सॉरी एक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH एक्रिलिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये एक्रिल अल्डिहाइड है, नाइट्राइल नहीं, एक्रिल अल्डिहाइड, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिल अल्कोहल, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CL, एक्रिल क्लोराइड, ऐसे एक्रिल बोल के इनको नाम दे सकते हैं, एक्रिलाल्डिहाइड, एक्रोलीन इसका नाम है, एक्रोलीन या एक्रिलाल्डिहाइड, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिल अल्कोहल, एक्रिल क्लोराइड, हाँ ये सभी एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली यानी फंक्शनल ग्रुप अलग है, सिर्फ नाम एक्रिल दे रहे हैं, कॉमन नेम। तो बेटा ये एक्रिलोनाइट्राइल है, ये जब पॉलीमराइज होता है ऐसे n नंबर ऑफ टर्मिनल्स विल गेट अटैच्ड टुगेदर, n नंबर ऑफ मोनोमर्स विल गेट अटैच्ड टुगेदर एंड दे विल फॉर्म पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इज अ पैन एंड यूज इसका क्या है? आर्टिफिशियल ब्लैंकेट्स, बनाने के लिए यूज करते हैं इसे, आर्टिफिशियल ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वूल, ओके। हाँ यहां पर आपने आर्टिफिशियल ब्लैंकेट लिखा था ना, उसको आर्टिफिशियल वूल करो, ये ब्लैंकेट्स बनाने के काम आता है। आयुष डिस्टर्ब मत करो बेटा, पेन ने नस्ते ले बेटा, लेक्चर चलो, ओके। सो पॉलीप्रोपीन नेक्स्ट, नेक्स्ट है आई थिंक ये फोर्थ है ना, पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपीलीन भी कह सकते हैं बेटा। प्रोपीन में भी देखो ना, ये एक्रिलोनाइट्राइल जैसा लिखा था ना वैसे ही मिथाइल भी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसलिए हमने उसको कहां लिखा, ब्रांचिंग में लिख दिया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कपल हो जाएंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये कैटलिस्ट में आपको देगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 एंड डैश। So this is polypropylene or simply propene. Propene is the monomer. Polypropene is the polymer. और इतना जो यूनिट रिपीट हो रहा है बार बार, इसे कहेंगे रिपीटिंग यूनिट। प्यार से RU लिखते हैं, रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट। नेक्स्ट पॉलीमर इज PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CL, वापस साइनाइड जैसा ऊपर लिखा था वैसे CL, बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन पॉलीमराइजेशन चेन,
n number of molecules will get coupled together. CH2 single bond CH Cl, CH2 single bond CH Cl dash dash. So ये हुआ, ये विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर, पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी, ओके पीवीडीसी, पॉली विनाइल डाइक्लोराइड, पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड दिख रहा है सभी को, पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड में ना बेटा, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, पीवीडीसी में CH2 डबल बॉन्ड CCl2 ऐसे है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, हीट करेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH नहीं Cl2, और ये डैश आगे वापस CH2 सिंगल बॉन्ड C Cl Cl ये आगे, इसको कहां यूज करते हैं पता है, आपके टैबलेट के जो रैपर्स होते हैं ना, यानी जिसमें एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है ऊपर के साइड में जिसमें टैबलेट दिखता है आपको, और नीचे के साइड से जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसपे नाम लिखा हुआ होता है, टैबलेट के कंटेंट लिखे होते हैं, है ना, तो जो ऊपर का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना, दैट इज पीवीडीसी फॉइल, पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये शॉर्ट में बता सकता हूँ इसका एग्जाम्पल में, सो दिस इज पीवीडीसी फॉइल, ओके एंड दिस इज विनाइल डाइक्लोराइड वीडीसी, दिस इज पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड, राइट। सो एडिशन में सबसे लास्ट पॉलीमर है पीएमएमए, दैट इज पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट, ओके। तो एक्रिलिक एसिड जो होता है, एक्रिलिक एसिड क्या होता है, अभी स्ट्रक्चर लिखा था वहां पर मैंने सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड सी ओ ओ एच, ओके। अब इसका मैंने इस्टर बना दिया, ये ओ एच निकाल के ओ सी एच थ्री लगा दिया, तो ये हो गया मिथाइल एक्रिलेट, मिथाइल एक्रिलेट, और ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक सी एच थ्री लगा दिया, तो ये हो गया मिथाइल मिथ एक्रिलेट। नाम समझ में आया क्या, नाम समझ में आया क्या, सी एच टू सी सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री, ओके। अब आगे जाएंगे, यहां पर देखो इसका पॉलीमराइजेशन जब होगा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब लेंगे, पॉलीमराइज जब होगा, तो बेटा ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा पॉलीमराइजेशन में, तो बाकी पूरा पार्ट एज इट इज लिखना है CH2 सिंगल बॉन्ड C, आगे पीछे पॉलीमराइज होगा, और इस कार्बन पे दो सब्सिट्यूएंट है, एक है COO CH3 और दूसरा है CH3, एंड दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर RU, और आगे जाके पॉलीमराइज होता रहेगा। चलो मैं लिख देता हूं, हाँ CH2 C COO CH3 CH3 dash, समझ में आ गया क्या। सो रिपीटिंग यूनिट कितना है इसका, COO CH3, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट n टाइम्स RU, ओके। तो ये हुआ कंप्लीट पार्ट, ये जो यूजेस है ना लाइटिंग कवर्स, ये लाइटिंग्स वगैरह लगाते हैं ना, उसमें जो अलग अलग कलर्स वगैरह आपको दिखते हैं या जो ब्राइट दिखते हैं, है ना, अलग अलग में साइन बोर्ड्स होते हैं, ये शॉप्स के नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं, या ऐसे ग्लो साइन बोर्ड वगैरह होते हैं ऐसे कर्सिव में वगैरह, वो नाम इससे बना सकते हैं, स्काईलाइट्स वगैरह जो होते हैं ऊपर के साइड में जो लगाते हैं, तो ये सभी नाम इससे बनाते हैं। पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट एक्रिलिक एसिड का बना होता है, या एक्रिलिक इस्टर का बना हुआ होता है। सो दिस इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन। हमने आज के लेक्चर में पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म देखा, पॉलीमराइजेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स देखे, और क्लासिफिकेशन एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स देखे, दो कैटेगरीज हमने बनाए, और उसके बाद एडिशन पॉलीमर में जितने भी पॉलीमर्स आते हैं उनके डिटेल्स और उनके प्रिपरेशन मेथड देखे, यूजेस देखे, कैटलिस्ट मोनोमर पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया,
कर लिया है हमने, और अगला लेक्चर जो आएगा दैट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम काम करने वाले। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ये सभी वीडियोस देखते रहो, यूट्यूब चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, सभी चीजें आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, बेल आइकन को हिट करो और सभी चीजें आपको लाइव मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।